हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मयूराज फूडी रसोई। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल मिठाई की रेसिपी, झटपट सी स्वीट डिश, वो है पोहा हलवा। आपने बहुत तरीके से हलवे बनाए होंगे, बट ये जो हलवा है ये काफ़ी टेस्टी लगता है, डिफरेंट लगता है और बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाता है। झटपट सी स्वीट डिश जो खाने में बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और मेल्ट इन माउथ होती है। तो आज बनाएंगे ये मीठी सी स्वीट डिश, और इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपसे मेरी कोई भी रेसिपी मिस ना हो। घर पे अगर मेहमान आ जाए और अगर कुछ मीठा खाने का मन करे तो ये रेसिपी झटपट से बन जाती है, क्योंकि पोहा तो सभी के घर में होता ही है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसे बनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी और बनाते हैं पोहा हलवा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक बड़ी कटोरी भर के पोहा लिया है। आप कम ज़्यादा, आप जैसे बनाएं वैसे ले सकते हैं। मैं इसे एक छलनी में डाल देती हूँ और इसे हम साफ़ पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। बिल्कुल इसी प्रोसेस से अगर हम करें तो हमारे पोहा ज़्यादा सॉगी नहीं होगा और एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। इसे अच्छे से धो लेते हैं। देखिए, अच्छी तरह से धुल गया है। अब हम इसे भिगोने के लिए रख देते हैं फॉर 5 मिनट्स। उसके बाद ये एकदम खिला खिला सा हो जाएगा। तब तक मैं कुछ और इन्ग्रीडियंट्स बताती हूँ। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप भर के दूध, थोड़ा सा इलायची पाउडर, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, मैंने यहाँ पे चारोड़ी ली है, कुछ बादाम और काजू लिए हैं, शक्कर कम ज़्यादा आपके पसंद से आप ले सकते हैं, और देसी घी मैंने यहाँ पे लिया है। देखिए, 5 मिनट बाद हमारा पोहा कितने अच्छे से भीग के एकदम फूल गया है, एकदम सॉफ्ट हो चुका है और खिला खिला सा है। अब हम इसका हलवा बनाते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है जिसे मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। पैन थोड़ा सा गर्म हो जाए उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। मिठाई की बात हो और घी ना आए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसे हम गर्म होने देते हैं। घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें काटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल लेते हैं। आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप किशमिश भी डाल सकते हैं, उससे भी हलवे में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। यह मैंने फ्लेम मीडियम लो रखी है ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल जले नहीं और अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाए। हम इसे कंटिन्यूस चलाते रहेंगे ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स एक साथ एक ही कलर से फ्राई हो जाए। देखिए, अब 2-3 मिनट के बाद ये कलर चेंज दिख रहा है और ये सुनहरे हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारा भीगा हुआ पोहा और इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। घी के साथ में पोहा अच्छे से मिक्स हो चुका है और ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए, पोहा थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है और ज़्यादा। अब हम इसमें डालेंगे दूध। ये दूध एक साथ नहीं डालेंगे हम, आधा आधा करके हम इसे डालेंगे। इसे मिक्स कर लेते हैं। पोहा सारा दूध सोख लेगा। फ्लेम मैंने मीडियम पे ही रखी है। अब बचा हुआ दूध हम डाल लेते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस रेसिपी में ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स तो है नहीं, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स, और जो घर में अवेलेबल है वो इंग्रेडिएंट्स से हम इसे बना रहे हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी पोहे के लिए उसी कटोरी से थोड़ी सी कम चीनी ली है, आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने केसर वाला दूध बना के रखा था, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। आप इसमें केसर के धागे भी यूज़ कर सकते हैं। इलायची पाउडर 1 टीस्पून के करीब। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इलायची से बहुत ही अच्छी सी सुगंध आ जाएगी। और मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून घी ऊपर से डाल रही हूँ ताकि घी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आए और हमारा हलवा सूखा सूखा ना लगे।
देखिए हमारा हलवा कितना टेम्पटिंग लग रहा है, ऑलमोस्ट रेडी है, बट हम इसे 2 मिनट तक ऐसे ही फ्लेम पे चलाते रहेंगे। और हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। मैं गैस बंद कर लेती हूँ। ठंड के दिनों में और बारिश के दिनों में ये गर्मा गर्म हलवा काफ़ी मज़ेदार लगता है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। मैं इसे एक बाउल में सर्व कर रही हूँ और इसे थोड़ा सा अलग तरीके से आज हम सर्व करते हैं, जो कि एक ट्रेडिशनल तरीका है सर्विंग का। ये जो हलवा है ये प्रसाद में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। एक्चुअली हम प्रसाद रवे का या सूजी के हलवे का बनाते हैं, बट पोहे का हलवा भी प्रसाद में बहुत ही अच्छा लगता है। इसे अब हम प्रेस कर लेते हैं, ऊपर से दबा लेते हैं अच्छे से। देखिए स्टीमिंग हॉट गर्मा गर्म हलवा कितना टेम्पटिंग लग रहा है। अब मैं एक प्लेट लेती हूँ और इसमें मैं इसे उल्टा कर देती हूँ। ये देखिए ऐसे लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा। इस तरीके से सर्व किया हुआ हलवा बहुत ही अच्छा लगता है। इस पे मैं कटे हुए पिस्ते डाल लेती हूँ और बस हमारा हलवा रेडी है। पोहा हलवा खाने में एकदम बढ़िया लगने वाला है। इसे खा के आपको बस मज़ा आ जाएगा। तो लीजिए, तैयार है, रेडी है सर्व करने के लिए हमारा पोहे का हलवा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप भी अपने घर में यह हलवा ज़रूर ट्राई करें, आपके फैमिली में सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने व्यूज़ कमेंट्स द्वारा मुझे ज़रूर भेजें, ताकि मुझे पता चले कि मैं और क्या क्या रेसिपीज़ आपके लिए लेके आ सकती हूँ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ खाएं, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द मेरी अगली रेसिपी के साथ। सी यू सून।